अगले 30 दिन तक अगर तुम ऐसे पढ़ते हो, इस मास्टर प्लान को फॉलो करते हो, तो तुम आराम से 0 से 130 40 मार्क्स पर पहुंच सकते हो, यानी कि 80 से 90 परसेंटाइल तक आराम से जो है वो आप पहुंच सकते हो। सिंपल सी बात बोले तो आपको एक अच्छा खासा जो NIT जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी 30 से 40% जो सिलेबस कवर हो चुका है, तो आप आराम से 150 से 170 मार्क्स के बीच में पहुंच जाओगे। लेकिन अब ये पहुंचोगे कैसे, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 30 डेज मास्टर प्लान। सीरियसली 30 डेज में जेई क्रैक, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर 30 डेज में जेई क्रैक हम कैसे कर सकते हैं। तो एक चीज देखो कि एक साल या दो साल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर उनका क्या, ठीक है ना, कि जो बच्चे एक साल से तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉप लेके दो साल से कोई तैयारी कर रहा है, तो उनका क्या, वो सब बेवकूफ हुए ना इसका मतलब। तो मान लो 30 डेज में जेई क्रैक, मान लो अगर आपको 30 डेज में जेई क्रैक हो गया, ठीक है ना, अगर मान लो नहीं भी होता है, ठीक है, तो 30 डेज में आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं करने वाले ना, सिर्फ बुक्स ही ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करोगे, कभी वो चैप्टर देख लिया, कभी वो चैप्टर देख लिया, कभी किसी के नोट्स देख लिया, कभी किसी के नोट्स देख लिया। अगर तुम ये 30 डेज वाला मास्टर प्लान एक बार फॉलो कर लोगे, एक बार इस प्लान को एग्जीक्यूट कर लोगे लाइफ के अंदर, तो क्या पता तुम्हारा जेई क्लियर ही हो जाए, और डेफिनेटली होगा ही होगा, आप आराम से 130-140 मार्क्स तक पहुंचोगे। अगर आप जीरो नंबर पे हो, अगर आप अभी जीरो नंबर पे हो, तो आप आराम से इस तक पहुंचोगे, और आपका ऑलरेडी 30-40% सिलेबस कवर हो चुका है, तो आप यहां पे पहुंचोगे। इफ नॉट देन इन 30 डेज आप क्या ही कर लोगे, अगर नहीं भी होता तो आप 30 डेज में क्या कर लोगे, कुछ नहीं करने वाले ना, सिर्फ बुक्स ऊपर नीचे करने वाले हो, किसी के उसके नोट्स देख लो, उसके नोट देख लो। लेकिन आज की वीडियो में आपको एक ऐसा मास्टर प्लान बताने वाला हूं, आपका जेई जो है वो क्रैक करके ही छोड़ेगा इन 30 डेज के अंदर, अगर आप इस 30 डेज के प्लान को अच्छे से फॉलो करते हो अपनी लाइफ के अंदर। तो ये है वो 5 की पॉइंट्स जो आपको जेई के अंदर मास्टर बना देंगे। मास्टर अगर आप इन 5 प्लान को प्रॉपर एक्यूरेट तरीके से अगर आप फॉलो करोगे अपनी लाइफ के अंदर, तो ये सारे के सारे जो 5 के 5 पॉइंट है, इस तरीके को अच्छे से समझना। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है रीडिंग एनसीईआरटी। जी हाँ, सिर्फ आपको रीड एनसीईआरटी को रीड करना है, रट्टा नहीं मारना, ना उसे लर्न करना है, जस्ट जैसे आप नॉर्मल रीडिंग करते हो वैसे नॉर्मल रीडिंग करनी है उसकी, और उसके अंदर हाईलाइट द मेन पॉइंट, जितने भी उसके अंदर आपके की पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, आपने उनको क्या करते जाना, हाईलाइटर से, पेन से, पेंसिल से मार्क करते जाना है, ताकि वो आपको रिविजन के टाइम जो है वो काम आए। ऊपर से स्पेशली क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को तो खास करके अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, और मार्क करते जाना है हाइलाइटेड मेन पॉइंट्स। अब इसके अंदर एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो आप टारगेट रखोगे अपने चैप्टर्स का, तो उसके अंदर आपका एक इजी चैप्टर होना चाहिए, वन टफ चैप्टर पर डे। तो ये आपने अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है पहले पॉइंट के अंदर, कुछ नहीं करना, सिंपल सा बेसिक पॉइंट है, अपनी एनसीईआरटी को नॉर्मली रीड करो, रट्टा नहीं मारना, फास्ट रीडिंग नहीं करनी, और ना ही किसी एनसीईआरटी के पार्ट्स को लर्न करना है, सिंपल रीडिंग करनी है और मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, खास करके केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को तो बहुत अच्छे तरीके से करना है, और एनसीईआरटी में से आपके जो है अनलिस्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो बनेंगे ही बनेंगे। उसके साथ डेली का आपने एक इजी चैप्टर करना है और एक टफ चैप्टर करना है, चाहे वो फिजिक्स का ले लो, चाहे वो केमिस्ट्री का ले लो, अपने हिसाब से एक डेली, एक इजी चैप्टर और एक टफ चैप्टर आपका पर डे का कंप्लीट होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद वॉच वन शॉर्ट वीडियो। वन शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको क्या करना है, डेली मिनिमम 3 hours पर डे की 3 घंटे आपको जो है वन शॉर्ट वीडियो देखनी ही देखनी है यूट्यूब के ऊपर। किसी भी लेक्चरर की देख लो, किसी भी यूट्यूबर की देख लो, वो आप पे डिपेंडेंट है, जिसकी भी आपको अच्छी लगती है वो आपने फॉलो करनी करनी है। मिनिमम आपने 3 घंटे देखनी है, मैक्सिमम आप 6 घंटे तक जो है पर डे तक अपनी वन शॉट वीडियो देखोगे। अब वन शॉट वीडियो देखनी कौन सी है, वही देखनी है जो यहाँ पे आप चैप्टर करोगे। अगर इजी चैप्टर कर रहे हो तो इजी चैप्टर की वीडियो देखनी है, अगर आप टफ चैप्टर कर रहे हो तो टफ चैप्टर की वीडियो देखनी है। ऐसा नहीं करना कि आप चैप्टर कोई और रिवाइज कर रहे हो और रीड कर रहे हो और वीडियोज आप किसी और चीज की देख रहे हो, क्योंकि ये चीज अगर कॉपी कॉम्बिनेशन बैठेगी तो इसमें पूरे दिन में आपको पता लगेगा कि आपने क्या रीड किया, और जो वन शॉट वाला वीडियो वाला बंदा है, लेक्चरर है, वो आपको किस चीज के बारे में प्रैक्टिकली वो क्या आपको समझा रहा है, तो दोनों की थिंकिंग अगर मैच करेगी तो वो चीज आपके माइंड में इजिली फिट हो जाएगी, आराम से आपके माइंड में वो चीज बैठ जाएगी। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखना है, जो चैप्टर इजी है चाहे वो टफ है, जो चैप्टर आप यहाँ पे पढ़ोगे चाहे वो फिजिक्स का, चाहे वो केमिस्ट्री का, चाहे वो मैथ का, उसी की ही वन शॉट वीडियोस आपने देखनी है, मिनिमम 3 घंटे देखनी है। ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूस 3 घंटे देखनी है, एक मॉर्निंग, नून और इवनिंग, ऐसे 3 बैचेस भी आप लगा सकते हो,
अगर 6 घंटे देख रहे हो तो 1-1.5 घंटा आप मॉर्निंग में कर लो, 1-1.5 घंटा आप दोपहर में कर लो, और 1-1.5 घंटा आप शाम को कर सकते हो, और 1 घंटा बचा हुआ जो है वो आपको रात को भी शिफ्ट कर सकते हो 10 से 11 बजे तक। और वन शॉट वीडियो आपने देखनी है, किसी भी कंडीशन के अंदर आपने वन शॉट वीडियो को भी स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद इसमें से कोई भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना, इवन सिंगल सेकंड की वीडियो को ना ही इसको स्किप करना है, ना ही इसमें से किसी पॉइंट को स्किप करना है। और ध्यान से समझो करना क्या, उसके बाद अब आपने क्या करना है, सॉल्व PYQ। अब आपने डेली का एक जो क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व करने ही करना है, सॉल्व डेली वन सेक्शन। आप कोशिश करो कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पेपर नहीं हो रहा है तो आप वन सेक्शन सॉल्व करो। वन सेक्शन इन द सेंस लाइक अकेली फिजिक्स आज सॉल्व कर ली, कल को आपने सारी केमिस्ट्री सॉल्व करनी है, उसके अगले दिन आपने क्या करना है, मैथ्स को सॉल्व करना है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना माइंड सेटअप पूरा प्रॉपर तभी रखना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे वन शॉट वीडियो देखोगे, अच्छे से अपनी रीडिंग हाईलाइट करोगे, क्योंकि ये चीजें सारी की सारी अगर आपकी ये दो पार्ट्स अगर आपके ये डन होंगे तभी ये तीसरा पार्ट आपका क्या होगा, डन होगा, तभी आपको सॉल्व जो आप PYQ करोगे उसके अंदर आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो चीज आप पढ़ के आओगे तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे ना। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना है, डेली आपने एक सेक्शन तो मिनिमम आपने सॉल्व करना ही करना है, चाहे वो फिजिक्स का कर लो, केमिस्ट्री का कर लो, मैथ्स का कर लो। अगर आपका सिलेबस ज्यादा कवर हो चुका है तो डेली आपने क्या करना है, वन पेपर आपने PYQ का जो है वो सॉल्व करना ही करना है, चाहे कितना भी टाइम उसको लग जाए, 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, लेकिन एक पेपर आपको डेली जो है अपना सॉल्व करना ही करना है। और कोशिश करो कि अपना जो पेपर है या तो उसको मॉर्निंग के अंदर रखो, उठते ही अपना पेपर को सॉल्व करो, रात को आज सारा रीड आउट करके बैठ जाओ कि आज मेरी सारी रिविजन हो चुकी है, अगले दिन मॉर्निंग सुबह उठ के ही उस पेपर को सॉल्व करने लग जाओ। अगर आप मॉर्निंग का सेक्शन नहीं लेना चाहते तो आप नाइट का सेक्शन भी ले सकते हो, आज सारा दिन अपने चैप्टर्स की रिविजन करो A to Z, और रात को 9 से 11 बजे तक या फिर 8 से 11 बजे तक 3 घंटे के अंदर कोशिश करो कि आपका जो पेपर है वो मैक्सिमम आपका सॉल्व हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है 4th नंबर, रिवीजन एंड हाईलाइट द प्रॉब्लम। रिवीजन एंड हाइलाइट्स प्रॉब्लम से बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सिंपल से नोट्स उठाएंगे, बस ऊपर से लेकर नीचे तक देखते रहेंगे या फिर पेज पलटते रहेंगे, इसको बढ़ता नोट रिवीजन करना या फिर अपने चैप्टर्स की रिवीजन करना नहीं बोलते। जो चैप्टर्स आपके रिवाइज जो है वो देखने से नहीं, ना ही पेज पलटने से नहीं, इसको पढ़ने से आते हैं। तो इसको जोर जोर से पढ़ा सीखो, ठीक है, इसको जोर जोर से पढ़ा करो। अगर जोर जोर से नहीं पढ़ना सकते तो मन में पढ़ा करो। बहुत सारे बच्चों को मैंने नोटिस किया वो क्या करते हैं, बस ऊपर से नीचे तक जो अपने ही राइटिंग में लिखा होता है बस उसको ऊपर से नीचे घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं और पेज पलटते रहते हैं, चलो जी नोट्स का काम कंप्लीट हो गया। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको प्रॉपर A to Z अच्छे से रीड करो, माइंड में रीड करो, चाहे जोर से बोल बोल के करो, अगर जोर से बोल बोल के करोगे बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है। उसके बाद क्या करना है, हाईलाइट अपने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करो। यहाँ पे बच्चे अपने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट ही नहीं करते, पता तो है यार मैंने खुद ही सॉल्व करनी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप किसी की भी अपने हेल्प ले सकते हो, आपके टीचर्स की, यूट्यूब पे बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगी। तो डेली रिवीजन मिनिमम 2 आवर्स, डेली आपने एक अपना टारगेट रखना कि मिनिमम आपको 2 घंटे रिवीजन करनी ही करनी है। बहुत सारे बच्चों की हैबिट होगी वो 2 घंटे अगर रिवीजन नहीं कर सकते तो आप इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक मॉर्निंग में रिवीजन आपको करनी है या फिर एक आप इवनिंग में। नहीं तो फिर आप इसको क्या करो, कोशिश हमेशा यही करो कि आपने जो रिवीजन करनी है उसको मॉर्निंग के बजाय शाम को ही रखो, क्योंकि शाम को आपको जो आपने पूरा दिन में पढ़ा होगा, शाम को जब आप उसकी रिवीजन करने के बैठोगे तो पता लग जाएगा कि पूरे दिन जो आपने चैप्टर रिवाइज किए या फिर अपने नोट्स रिवाइज किए वहां पे आपको कहां पे दिक्कत आ रही है। तो आप इजीली अपने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट भी कर पाओगे और अच्छे से अपने नोट्स को रिवाइज भी कर पाओगे। तो इसके लिए आपके लिए जो बेस्ट टाइम रहेगा वो रहेगा रात को 8 बजे से 11 बजे के बीच में, या फिर अगर दूसरा अगर आप टाइम लेना चाहते हैं तो 4 बजे से 6 बजे के टाइम के बीच में भी आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद फाइंड एंड मार्क द प्रॉब्लम्स, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स मिलती हैं उसको फाइंड करो और मार्क करो कि ये प्रॉब्लम मुझे आई है, उसको क्या करो, सर्कल करो, हाईलाइट करो, ठीक है, उस प्रॉब्लम का आपको जो है सोल्यूशन ढूंढना है, उसी टाइम सोल्यूशन ढूंढना है। ऐसा कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हाईलाइट तो कर लेते हैं लेकिन उसको बोलते हैं यार इसको कल देख लेंगे, कल को इसको मैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर लेता हूं तो एक सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक साथ ही देख लूंगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स बाद में आपके माइंड से क्या हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, फिर आप बोलते हैं ऐसे अगले दिन करते रहोगे, तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी। उसी टाइम अगर आपको प्रॉब्लम मिली है तो उसी टाइम ही आपने उस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो निकालना है। एंड वन ऑफ द लास्ट एंड द मेजर पॉइंट, डू एज मैनी एज मॉक टेस्ट पॉसिबल। बहुत सारे बच्चे इस चीज को निग्लेक्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे टेस्ट ही नहीं देते, टेस्ट से डरते हैं, भागते हैं, नहीं भाई मैं टेस्ट नहीं दूंगा, मुझे पता लग जाएगा टेस्ट से मुझे नर्वसनेस होगी, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा आपको मॉक
मॉक टेस्ट देने हैं। बेशक दिन में चार चार मॉक टेस्ट दो, एक टेस्ट दो, दो दो, लेकिन देना ही देना। हफ्ते का टारगेट रख लो, चाहे कि हफ्ते के अंदर 10 मॉक टेस्ट देने हैं, जैसे मर्जी करो, लेकिन आपने जो है हर हालत में अपने मॉक टेस्ट जो है वो देने ही देने हैं। जितनी मर्जी उसको टाइम लग जाए, जैसे मर्जी उसका टाइम निकालो, आपने कभी भी मॉक टेस्ट से भागना नहीं। एंड द लास्ट मॉक टेस्ट ही आपको आपकी कैपेबिलिटी के बारे में बताएगा कि ये जो आपने चार पॉइंट्स के अंदर अपनी चीजें रिवाइज की हैं, पीवाई के क्वेश्चन किए हैं, चैप्टर्स के अंदर हाईलाइट्स किया, प्रॉब्लम सॉल्व किए, उस चीज को आप कहां तक जो अपने माइंड में कहां तक जो है वो बिठा पाए हो, कहां तक आप उस चीज को सॉर्ट आउट कर पाए हो, तो वो सब कुछ आपको मॉक टेस्ट के थ्रू ही पता लगेगा। इसलिए मॉक टेस्ट से आपको कभी भी भागना नहीं है। दूसरी चीज का इसका ध्यान रखना कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले इजी चैप्टर्स कर लेते हैं, बाद में बोलते हैं यार टफ चैप्टर मैं बाद में कर लूंगा, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि अगर सारे टफ चैप्टर आप बाद के लिए रखोगे तो बाद में जब आप पढ़ने बैठोगे तब आपको पता लग जाएगा यार आज भी टफ चैप्टर करना है, आज भी टफ चैप्टर करना है, तो आपका कभी भी जो दिल है वो नहीं करेगा पढ़ने को। तो आपने ऐसे कभी भी गलती नहीं करनी है, हमेशा एक इजी चैप्टर को चूज करना है और एक हमेशा टफ चैप्टर को चूज करना है, ताकि आपकी दोनों चीजें बैलेंस के साथ चले और आपका पढ़ने में भी जो है इंटरेस्ट जो है वो मन जो है वो लगा रहे। तो अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे 30 डेज मास्टर प्लान, तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो 130 प्लस आराम से जो है वो पहुंच जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह की स्ट्रेटेजी वीडियोस, जेई के रिलेटेड अपडेट्स, ईच एंड एवरी कॉलेज एडमिशन, सब कुछ आपको आपके भाई के चैनल पर मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।